हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक फोन का जो 15,000 के अंदर आते हैं बजट में। और गाइस, क्या ये फोन गेमिंग के लिए परफेक्ट है या नहीं, क्योंकि देखिए 15,000 के अंदर जो लोग फोन खरीदते उनको गेमिंग भी चाहिए होता है, उनको कैमरा भी चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है। तो गाइस देखेंगे कि बैटरी बैकअप कैसा है और गेमिंग कैसा है इस फोन का। और हाँ, ये फोन है रियलमी 8, ये 5G वर्षन नहीं है, ये 4G वाला वर्षन है। और रियलमी 8 बहुत ही पॉपुलर है अभी मार्केट में, तो देखेंगे कि इसका गेमिंग रिव्यू कैसा होते हैं। और आपको पता है कि मैं कितना ज्यादा गेम्स खेलता हूँ, तो डेफिनेटली मेरे से बेटर कौन रिव्यू कर सकता है इस फोन का, है कि नहीं। ठीक नो, जस्ट किडिंग, ये मेरा वाला फोन नहीं है, अभी भी मेरा फोन जो है ये सही सलामत है। और चलिए अब करते हैं गेमिंग रिव्यू। तो ये फोन है रियलमी 8। हमने सोचा कि एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जहां पर हम गेमिंग रिव्यू करेंगे फोन्स का, और जिसका पहला फोन है रियलमी 8। रियलमी 8 का ये जो वाला वेरिएंट है ये सबसे बेस वेरिएंट है, जिसमें 4GB रैम मिल जाता है आपको और 128GB का स्टोरेज। और इसका जो प्राइस है ये कुछ 14,000 रुपये के आसपास ही रहेंगे। तो छोड़ते हैं टेक्निकल टर्म्स को और देखते हैं कि गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है इस फोन का। देखिए, सच बात तो ये है कि इस बजट सेक्शन में सबको एक ऑलराउंडर फोन चाहिए होते हैं। तो क्या ये फोन भी एक ऑलराउंडर फोन है, और अगर नहीं है तो इसका ऑल्टरनेटिव सबसे बेस्ट क्या हो सकते हैं, इसी को लेके भी बात करेंगे। तो पहले ओपन करते हैं BGMI को, और गेम ओपन होते होते आपको बता दूं कि ये एक 6.4 इंचेस वाला सुपर एमुलेट डिस्प्ले है जो फुल HD प्लस है, और इसका ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है, आउटडोर कंडीशन में भी काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी है। तो गेमिंग के लिए सबसे पहला जो डिसअपॉइंटमेंट आता है इस फोन में ये है कि यहाँ पर सिर्फ आपको स्मूथ के साथ अल्ट्रा तक ही देखने को मिलते हैं FPS, बाकी आपको बैलेंस्ड के साथ भी अल्ट्रा देखने को मिलते हैं और HD के साथ हाई FPS देखने को मिल जाते हैं। और काफ़ी फ़ोन में अल्ट्रासाउंड सपोर्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ऑडियो में अल्ट्रासाउंड जो है ये अवेलेबल था। तो चलिए कुछ देर गेमिंग करते हैं इसमें, और इसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि इसका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है और बैटरी कंजम्पशन कैसा है और हीट कितना प्रोड्यूस करते हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कि चार्जिंग टाइम कितना है और कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है।
फोन में अच्छी बात यह है कि इसका जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ये काफी स्टेबल था। हालांकि FPS तो आपको अल्ट्रा तक ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमें फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिले या फिर FPS ड्रॉप देखने को भी नहीं मिले। और सबसे खास बात यह है कि इस फोन में बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। मतलब आप अगर आम तौर पे भी फोन चलाते हैं जितना हीट होते हैं, गेम खेलने पर भी सिर्फ उतना ही हीट होते हैं जो आपको हाथ में इतना ज़्यादा महसूस भी नहीं होते। और क्योंकि इस फोन में 5000mAh का बैटरी है तो इसीलिए आपको बैटरी को लेके कभी भी टेंशन करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप जो है ये आपको दे देगा। और अगर बात करें चार्जिंग टाइमिंग की तो ये फुल चार्ज होने में लगभग 80 मिनट्स लग जाते हैं। और इस फोन में तो देखिए नाम का दिया गया है 64 मेगापिक्सल का, लेकिन जितना परफॉर्मेंस हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इतना बुरा भी नहीं है, काफ़ी डिसेंट सा परफॉर्मेंस है। आपको कुछ हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखे तो ही बेटर है। इसमें कलर और कॉन्ट्रास्ट का जो पंच है ये बहुत ही ज़्यादा है, तो इसीलिए अगर आप जी कैम वगैरह यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो स्टॉक कैमरा है ये इतना खास भी नहीं है और इतना ख़राब भी नहीं है। तो गाइज अब आते हैं कंक्लूशन पे। तो मैं कहूँगा कि इस बजट में आपको इससे भी काफ़ी बेहतर फ़ोन मिल जाते हैं, जैसे कि Realme 6 जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस भी मिलते हैं और साथ ही साथ जो कैमरा है ये भी काफ़ी अच्छा ही मिल जाएंगे। और अगर आपको सिर्फ इस बजट में गेमिंग परफॉर्मेंस ही चाहिए तो डेफिनेटली आपके लिए Realme 6 बेटर रहेगा, या फिर आप अगर थोड़ा सा बजट को आगे ले सकते हैं तो Realme 6 Pro भी आप ले सकते हैं। देखिए अगर टेक्निकली देखा जाए तो Realme 8 फास्टर है Realme 6 से, लेकिन जो परफॉर्मेंस है ये तो ऐसा नहीं बता रहा है। और जब आपका प्रायोरिटी सिर्फ गेम खेलना है तो डेफिनेटली Realme 6 आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले भी देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर नहीं मिलते। और साथ ही साथ वहाँ पर गेम के अंदर आपको एक्सट्रीम तक का फ्रेम रेट मिल जाते हैं, और अगर आप GFX टूल वगैरह यूज़ करते हैं तो 90 FPS भी ला सकते हैं। तो गाइस जाने के वक्त आ चुके हैं और यही तक था ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम और एक बार आप लोगों के सामने आएंगे ऐसे ही एक बजट सेगमेंट के फ़ोन लेके या फिर एक हाई एंड फ़ोन लेके। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।